हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 थर्ड मार्च फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, उसके जितने भी 25 क्वेश्चन हैं वो अब आ चुके हैं मेरे पास और इस वीडियो में मैं उन 25 क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप अपने से मिला लीजिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है और ये जो क्वेश्चन है इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है आपका कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, गोतबाया राजपक्षे और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर भी आपसे पूछ ले, तो इसका हो जाएगा महिंदा राजपक्षे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आज के फर्स्ट शिफ्ट का। सेकेंड क्वेश्चन था आपका कि GST फॉर लॉटरी, लॉटरी के लिए GST क्या है, कितना परसेंट, तो इसका सही आंसर होगा 28%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, कौन सा ह्यूमन ईयर के पार्ट में, कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉट पार्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं पार्ट है। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ जो ह्यूमन का ईयर का जो पार्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, 3 मेलिसियस, इनकस और स्टेप्स, और ये आपको फिगर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे PDF से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि ब्रांच डैट डील्स विद स्टडी ऑफ डॉग, डॉग के स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं साइनोलॉजी। ठीक है, ये काफ़ी ईजी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच क्रिकेटर हैज़ रिकॉर्ड ऑफ डबल सेंचुरी इन 4 कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। ठीक है, इसका राइट आंसर विराट कोहली होगा। एक मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि रोहित शर्मा, नहीं, इसका आंसर विराट कोहली होगा, क्योंकि ये देखिए आर्टिकल है पेपर का, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि इंडियन स्कीपर विराट कोहली ऑन फ्राइडे बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू रिकॉर्ड 4 डबल हंड्रेड्स इन 4 कंजिक्यूटिव टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये विराट कोहली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बालिया देवी बिलोंग्स टू, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि बॉम्बालिया देवी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर राइट होगा इंडियन आर्चर। ठीक है, ये है बॉम्बालिया देवी, ठीक, और ये कहाँ से है, मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज सांची स्तूपा डिस्कवर्ड, कब सांची स्तूपा डिस्कवर्ड हुआ था, तो अशोका के टाइम में ये डिस्कवर्ड हुआ था, 3rd सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपसे पूछा चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, तो आंसर क्या होगा, भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल जो है इज़ द राइट आंसर, यानी कि आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो इसका आंसर क्या होगा, देवेंद्र, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार देवेंद्र कुमार जोशी। मैं आपको जो है एक इसी पे आधारित जो है आपसे रात में टेस्ट भी करवाने वाला हूँ, तो आप एकदम अलर्ट रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हम्पी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, हम्पी जो है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटका। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड करतारपुर कॉरिडोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमरान खान। ठीक है, इमरान खान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सावित्री बाई फूले वाज फ्रॉम विच स्टेट, सावित्री बाई फूले जो है ये किस स्टेट से है, ये आपको बताना है, तो सावित्री बाई फूले जो है ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है सलमान रशदी नॉट रिटन बुक इज, अब आपसे क्वेश्चन में वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे और आपको पूछ दिया गया था कि इन 4 बुक में से आपको बताना है कि कौन सा वो एक बुक है जो सलमान रशदी ने नहीं लिखा है, तो फिलहाल मैं आपके लिए जो यहाँ पर सारे बुक है सलमान रशदी की जो फेमस बुक है उसका यहाँ पर डाटा है, तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, इन इंडिया रेपो रेट इज़ डिसाइडेड बाई विच इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, रोम है आपका। नेक्स्ट देखिए कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, एक ही शिफ्ट में आपको 2 CM पूछ दिए गए हैं पंजाब के, तो अमरिंदर सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद अराकू वैली इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो अराकू वैली जो है ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम सिटी में है। ठीक है, अराकू वैली। नेक्स्ट हो जाएगा वेयर इज आनंदा वैली सिचुएटेड, आनंदा वैली कहाँ सिचुएटेड है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है,
वॉट इज ड्राई आइस? ठीक है, ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस जो है सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. 22 देखिए, हु वॉज अवार्डेड कॉटलर अवार्ड? कॉटलर अवार्ड किसको मिला है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है. ठीक है, नेक्स्ट है, इन एंशियंट टाइम्स काठमांडू वॉज पार्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट्स? ठीक है, एंशियंट टाइम्स में काठमांडू जब भारत का हिस्सा था तो किस इंडियन स्टेट्स का था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार. तो आपने देखा कि अभी और क्वेश्चंस है. 24, हु व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो टोटल टाइम लगा है वो कितने का है? वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन का. ठीक है, 2 years 11 months 18 days. नेक्स्ट जो कि 25 नंबर है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? FCI का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. तो आपने देखा कि टोटल 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए और 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दिया है. ठीक है, सेकंड शिफ्ट के भी करंट अफेयर जो क्वेश्चंस आए हैं आपके सेकंड शिफ्ट में सीजीएल में टीयर सीजीएल में आए हैं आपको, वो भी मैं आपको जल्दी से डिस्कस करवाने वाला हूँ. ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.